भाइयों बहनों, इस चुनाव की कई विशेषताएं हैं। एक तो ये चुनाव की विशेषता ये है कि कांग्रेस पार्टी जिसने देश में सालों तक राज किया, देश आजाद हुआ तब से करीब करीब उन्हीं लोगों ने राज किया है, इतने सारे लोग उनके पास है, इनके पास पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों का ढेर, पूर्व मंत्रियों का ढेर, न जाने क्या क्या उनके पास है। उसके बावजूद भी देश ने उनका हालत ऐसा करके रखा है कि कांग्रेस अपने इतिहास में सबसे कम सीटें इस चुनाव में लड़ रही है, सबसे कम सीटें, यानी लड़ने के लिए उसके पास जगह नहीं बची है, लोग नहीं मिल रहे हैं। भाइयों बहनों, इस चुनाव की दूसरी विशेषता यह है कि जब कर्नाटक का चुनाव आया, वहां के नतीजे उनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन वहां जाकर के सबने हाथ पकड़ पकड़ के फोटो खिंचवाई और उनके राग दरबारियों ने हवा बनाई कि बहुत बड़ा गठबंधन हो गया, सबने हाथ मिला लिए, एक दूसरे को गले लगा लिया, अब मोदी बच नहीं सकता है। बेंगलुरु से निकल करके दिल्ली पहुंचते पहुंचते ये सारे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। और आपने चुनाव प्रचार देखा होगा, अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में जो दो काली जैकेट पहन के चारों तरफ घूम रहे थे, वो दोनों आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। पिछले चुनाव में सपा और बसपा जो दुश्मन थे, आज बचने के लिए तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊं, तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊं, ये बचने का खेल खेल रहे हैं। और इतना जोर लगा लिया, आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में कांग्रेस का और एनसीपी का साथ लड़ रहे हैं, लेकिन शरद पवार और राहुल गांधी को एक मंच पर किसी ने देखा क्या? महाराष्ट्र का चुनाव पूरा हो गया, बिहार में लालू यादव और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ रही है, उन दोनों को नेताओं को एक साथ देखा क्या? नहीं देखा। ये इन सबका यही हाल है, वो अभी से बंटवारा करके बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, अकेली भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी देश की सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस चुनाव की और एक विशेषता है, ये विशेषता ये है कि भारत की सरकार बनाने के लिए, केंद्र में सरकार चुनने के लिए पहली बार 21वीं सदी में जिसका जन्म हुआ है, वो हमारे नौजवान, युवक और युवतियां जो पहली बार लोकसभा के लिए वोट देने जा रहे हैं, वे ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, वे जवान हैं, उनके सपने भी जवान हैं। वो आज मोबाइल फोन पे दुनिया को अपने हाथ में समेटे हुए हैं, और ऐसे नौजवानों का भी सपना है कि हमारा हिंदुस्तान भी दुनिया में नंबर एक बने। इन सपनों को लेकर के 21वीं सदी में पैदा हुआ
मेरे देश का भविष्य, ऐसा मेरा ओजस्वी तेजस्वी युवक और युवती इस चुनाव में वोट देने वाले हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ये लोग इस बार देश का भविष्य तय करने वाले हैं। मैं पहली बार मतदान करने वाले, लोकसभा के लिए मतदान करने वाले सभी युवक और युवती को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनको राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने के लिए मैं निमंत्रित करता हूं।